हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है, तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम देखिए बना हुआ है इस तरीके से, मैंने इधर सीरियल नंबर आपको लिखना है कौन कौन फीचर्स क्या है इसके, इधर इंपल्स टरबाइन और इस साइड आपको रिएक्शन टरबाइन, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फीचर्स के अंदर इसका जो ब्लेड जो हम लोग यूज करते हैं, ब्लेड का जो टाइप होता है वो इंपल्स टरबाइन के अंदर प्रोफाइल टाइप होता है और रिएक्शन टरबाइन के अंदर एरोफाइल टाइप होता है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, ब्लेड पैसेज एरिया, इसके अंदर इंपल्स टरबाइन के अंदर कॉन्स्टेंट होता है और रिएक्शन टरबाइन के अंदर वैरिंग और कन्वर्जिंग होता है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस की बात करूं कि ड्रॉप ऑफ प्रेशर, प्रेशर जो ड्रॉप होता है इंपल्स टरबाइन के अंदर, देखिए लिखा हुआ है प्रेशर ड्रॉप इन नोजल नॉट थ्रू मूविंग ब्लेड। हमारा जो प्रेशर जो ड्रॉप होता है नोजल के अंदर होता है और मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है इंपल्स टरबाइन के अंदर। रिएक्शन टरबाइन की मैं बात करूं तो प्रेशर ड्रॉप बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, प्रेशर जो ड्रॉप होगा मूविंग ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड दोनों के अंदर होगा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो नोजल और फिक्स्ड ब्लेड जो हम लोग तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं इंपल्स टरबाइन के अंदर डायफ्राम कॉन्स्टेंट नोजल्स होता है, इसके अंदर फिक्स्ड नोजल होता है रिएक्शन टरबाइन के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं बात करूं सुटेबिलिटी, तो जनरली इंपल्स टरबाइन जो हम लोग यूज करते हैं सुटेबल फॉर स्मॉल पावर के लिए होता है और रिएक्शन टरबाइन जो हम लोग यूज करते हैं सुटेबल फॉर है ना हाई और मीडियम पावर के लिए, हमारा रिएक्शन टरबाइन हम लोग यूज में लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं बात करूं स्पेस फॉर सेम पावर, अगर सेम पावर की बात करें और जो स्पेस जो कवर करेगा तो इंपल्स टरबाइन के अंदर काम करेगा लेस होगा और रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो होगा आपका मोर स्पेस कवर करेगा, तो इसके अंदर लेस स्पेस कवर करेगा, रिएक्शन टरबाइन के अंदर मोर स्पेस कवर करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं डिफरेंस का, इफिशियंसी की बात करता हूं, इफिशियंसी के अंदर जो इंपल्स टरबाइन है इसकी इफिशियंसी कम होगा, रिएक्शन टरबाइन की इफिशियंसी ज्यादा होगा। ठीक है, इंपल्स और रिएक्शन के कंपेयर में। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जनरली हमारा जो इंपल्स जो टरबाइन होता है वो सिंपल एंड चीप है और रिएक्शन टरबाइन भी हमारा क्या होगा डिफिकल्टी एंड कॉस्टली होगा। तो ये बेसिक फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आठ मैंने डिफरेंस लिखा है यहाँ पे और इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।